नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रील बनाने का शौक रियल लाइफ में भारी पड़ गया है। लाइक्स और कमेंट्स के लिए युवा अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। फैक्ट्री में ऊंचाई पर चढ़कर रील बनाने के दौरान एक नीचे गिरे शख्स और उसकी मौत भी हो गई है। मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। मृतक का नाम बबलू प्रसाद के रूप में हुई है, जो कि राजस्थान का निवासी था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि युवक को रील बनाना महंगा पड़ गया है। लगातार रील का क्रेज इस कदर बढ़ गया है कि लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। ताजा मामला भिलाई से है, जहां पर फैक्ट्री पर रील बनाने के चलते एक युवक नीचे गिर गया, जिस दौरान उसकी मौत हो गई है। फैक्ट्री में ऊंचाई से नीचे गिरने से युवक की मौत हो गई और रील बनाने का काफी ज्यादा शौकीन था। आपको बताते चलें कि युवक को रील बनाना महंगा पड़ गया है। दरअसल रील बनाने का काफी ज्यादा शौकीन था, जिसको लेकर वो आए दिन लाइक्स बटोरने के लिए रील्स बनाता था। इस दौरान जब वो फैक्ट्री की छत पर चढ़ा और रील्स बनाने लगा, तभी अचानक से वो नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ है। तो बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल नगर पालिका से को सबसे धनी नगर पालिका माना जाता है, लेकिन नगर पालिका के द्वारा कुछ स्व सहायता समूहों को एसएलआरएम सेंटर्स में कचरा की सफाई के लिए 65 दीदियों को कार्य पर रखा गया, लेकिन अभी तक उन्हें मानदेय राशि का भुगतान नहीं किया गया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो काम पर भी नहीं आए, उनके खाते पर राशि पहुंच रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नगर पालिका के द्वारा कुछ स्वयं सहायता समूहों को एसएलआरएम सेंटर में कचरा सफाई के लिए दीदियों को कार्य पर रखा गया और इन दीदियों को रोजाना 200 रुपए और महीना 6000 रुपए की दर से 2021 मई से कार्य पर रखा गया। लेकिन निहाल, किरण, फाइज, दंतेश्वरी, ये चार महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा नगर पालिका से सफाई के कार्य की निविदा प्राप्त की गई है। जो दीदियों को सफाई के लिए कार्य पर रखा गया, उनको रोजाना के हिसाब से 6000 रुपए महीना मानदेय दिया जा रहा है। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम देवराजू है, मैं एसकेमिस यूनियन के अध्यक्ष हूँ। जैसा कि अभी आपको जानकारी होगी कि नगर पालिका परिषद किरंदुल, जो अभी बहुत बड़ा एक घोटाले का मामला उठा हुआ है लेबरों का लेकर के, वहाँ जो कार्यरत स्व सहायता समूह में जो दीदियाँ काम कर रही हैं, उनको 6000 रुपए महीना मानदेय मिलता है, तो उसके बारे में आप क्या बता पाएंगे? हाँ, मैं अभी अभी मीडिया द्वारा मैं ये खबर देखा हूँ, और हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो हमारा सचिव है किरंदुल के, कॉमरेड साजी जी भी अभी अभी उनका भी मैं देखा हूँ। बिल्कुल सही बात है, नगर पालिका द्वारा जो मजदूर जो काम कर रहे हैं, उनका साथ जो है शोषण हो रहा है, और उनका जो रोजी मिलना चाहिए जो जिस दर से, वो नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि आप लोग के ट्रेड यूनियन है एसकेएमएस है, इसके द्वारा जो लेबरों के ऊपर ही पूरा डिपेंड रहती है, तो आप लोग के द्वारा एसकेएमएस के द्वारा इन लेबरों को जो दीदियां काम कर रही हैं, उनको किस तरह का आप लोग सहयोग करेंगे और क्या कर सकते हैं? एसकेएमएस यूनियन शुरू से आज तक मजदूरों के हितों के लिए और उनके हक के लिए लड़ती है। बिल्कुल, इसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे और इनका जो अधिकार दिलाएंगे। बताओ, इनके लिए हम लोग कलेक्टर साहब तक भी जाना पड़ेगा, तो हम लोग जाएंगे, और जो दर होता है कलेक्टर साहब के तरफ से जो भी है 307 रुपया प्लस 12% टैक्स रहता है, 343 रुपये कुछ बनता है ये पूरा अमाउंट, और ये अमाउंट पूरा उनको मिलना है, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग कलेक्टर साहब तक जाएंगे, और शासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो भी इनका भुगतान बनता है इन दीदियों का, जो हमसे हो सकता है वो पूरा हम लोग मदद करेंगे। श्रीमती राजेंद्र मृणाल राय का कहना है कि हमारी महिला स्वयं सहायता समूह आज तक कभी भी
किसी से भी कोई सहयोग नहीं लिया गया। जो भी खर्च आता है उसको हमारी ओर से संस्था के कार्यकर्ता की ओर से किया जाता है। और बता दें कि नगर पालिका में कोई पार्षद है तो वो नगर पालिका से किसी भी प्रकार का कोई लाभ का कार्य नहीं किया जा सकता और किसी भी प्रकार का नगर पालिका से निविदा प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इस नगर पालिका के द्वारा जो दीदियों को मानदेय जा रहा है, हमने जब जानकारी ली तो पता चला कि 65 दीदियों को कार्य पर रखा गया है, लेकिन हमारे द्वारा जब सूचना का अधिकार 2005 के द्वारा यहाँ पर लगाया गया, उसमें हमें जो जानकारी मिली उसमें 65 दीदियां तो काम पर हैं, लेकिन उसमें ऐसे 14 से 15 दीदियां हैं जो किरंदुल में कहीं भी कार्य पर नहीं है, जैसे कि पार्षद वार्ड क्रमांक 4 टंडन, अमृत टंडन, उनकी धर्मपत्नी स्नेह प्रभा टंडन, उनकी बीवी कहीं पर भी काम नहीं करती है, लेकिन उनके खाते में 4,000 रुपये महीना जाता है। वार्ड पार्षद गायत्री साहू, उनकी माताजी चंद्रिका साहू, उनके खाते में भी 6,000 रुपये महीना जाता है। इसी तरह पार्षद 14 नंबर, पार्षद 17 नंबर और पार्षद 12 नंबर, इन सभी के खातों में भी उनके परिवारजनों पे 6,000 रुपये के महीना बांधे जाता है। अब सबसे बड़ी बात एक और है कि कांग्रेस का उनका अपना कार्यालय, उसमें जो कार्य कर रही है उसका भी मानदेय इसी नगर पालिका से जा रहा है। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ काम नहीं करते हैं नगर पालिका में, कहीं भी सफाई के कार्य पर या नगर पालिका में कहीं भी काम में नहीं है, ऐसे सभी लोगों का मानदेय, लगभग 14 से 15 लोगों का मानदेय उनके खाते में 6,000 रुपये हर महीने जा रहा है, जो कि पूरा ये पैसा जो है वो पूरी तरह पार्षदों और अध्यक्ष के पास जाता है और ये पूरे फर्जी तरीके से जा रहा है। तो इस तरह से ये किरंदुल नगर पालिका पूरी तरह भ्रष्टाचार पे चल रही है। ये तो सिर्फ एक छोटा मामला है, इसके बाद हम बहुत जल्दी एक और मामले को उजागर करने वाले हैं जो है ऑक्सीजन पार्क का, जो कि करोड़ों का घोटाले का ऑक्सीजन पार्क का, जिसपे कलेक्टर जांच बैठी और उसके बाद में अभी वो उस पे ठेकेदार के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके ऊपर रिकवरी भी बैठी थी और उसकी जानकारी हम आपको कुछ दिन के बाद। हम खड़े हैं इस वक्त नगर पालिका परिषद किरंदुल, दंतेवाड़ा जिला का सबसे धनी नगर पालिका कहा जाने वाला यह नगर पालिका है। और हम आपको बता दें कि इस नगर पालिका की खासियत और इस नगर पालिका में आज क्या चल रहा है। आप देख रहे होंगे दो दिनों से कि हम इस नगर पालिका किरंदुल परिषद की जो स्वच्छता दीदियां हैं उनके मानदेय में बहुत ही बड़ा घोटाला किया गया है। आपको बता दें कि ये घोटाला किसके द्वारा और किस तरह से किया गया और इसका पूरा मामला क्या है। आपको हम बताना चाहेंगे कि NMDC किरंदुल के द्वारा लगभग 4,90,000 रुपये का राशि जो है हर महीने इस नगर पालिका परिषद किरंदुल को सिर्फ सफाई के लिए दिया जाता है और उस 4,90,000 जो लगभग में है उस पैसे को इस नगर पालिका के द्वारा 4 महिला स्व सहायता समूह है जिनका नाम है दंतेश्वरी महिला स्व सहायता समूह, किरण महिला स्व सहायता समूह, ख्वाहिश महिला स्व सहायता समूह और निहाल महिला स्व सहायता समूह। हम आते हैं सबसे पहले निहाल महिला स्व सहायता समूह पर। ये निहाल महिला स्व सहायता समूह आपको बताना चाहेंगे कि जो इसकी अध्यक्ष है, पहले थी अभी है कि नहीं इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन नगर पालिका में जब ये महिला स्व सहायता समूह जब कार्य पर लगी तो उसकी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। ये निहाल महिला स्व सहायता समूह की जो अध्यक्ष है वो इस वक्त नगर पालिका परिषद किरंदुल के वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद है और नगर पालिका परिषद किरंदुल में सभापति भी हैं और इनके पति मीणाल राय वो इसी नगर पालिका के अध्यक्ष के पद पर हैं। अब आपको हम बताते हैं कि अध्यक्ष और राजेंद्र मीणाल राय कौर जो हैं यहाँ के सभापति पार्षद, उनके द्वारा निहाल महिला स्व सहायता समूह जो है उसमें जब कोई भी नगर पालिका में अध्यक्ष या पार्षद के पद पर होता है तो उस वक्त किसी भी प्रकार का नगर पालिका से फायदे के पद पर नहीं रह सकता, ना ही कोई फायदा ले सकता, लेकिन अध्यक्ष की और उनकी धर्मपत्नी के द्वारा यहाँ पर अपने महिला स्व सहायता समूह के द्वारा यहाँ पर सफाई दीदियों के लिए निविदा प्राप्त करके अपने समूह को फायदा पहुंचाया।
यहाँ तक भी ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहेंगे कि निहाल पब्लिक मॉडल पब्लिक स्कूल जो उनकी माताजी के नाम से है, उनका कहना है, राजेंद्र मिनाल कौर का कहना है कि आज तक निहाल महिला स्व सहायता समूह या निहाल मॉडल पब्लिक स्कूल इन्होंने कभी किसी भी प्रकार का सहयोग बिना लिए इस संस्था को चलाया है। हम आपको अब बताना चाहेंगे कि इसमें भ्रष्टाचार कैसे हुआ। निहाल मॉडल पब्लिक स्कूल में जो टीचर है और वहां की जो प्रिंसिपल थी, वो इस वक्त नगर पालिका में उनको बैठाया गया है, उनका दोनों का मंथली मानदेय जो है वो इस नगर पालिका से जाता था और उनके खाते पे जाता था। जब निहाल महिला स्व सहायता समूह और निहाल मॉडल स्कूल एक एनजीओ और स्व सहायता समूह है, तो उसके जो कार्यकर्ता है उनको नगर पालिका से पेमेंट दिया जाना, ये कहाँ तक सही है? और उनका जो दावा करना कि आज तक निहाल महिला स्व सहायता समूह, निहाल मॉडल स्कूल आज तक कभी किसी से किसी भी प्रकार का एक रुपए का भी सहयोग नहीं ली और वो अपने सहयोग से ही लोगों को सहयोग दे रही है और संस्था चला रही है, तो इस तरह से राजेंद्र मिनाल कौर के द्वारा भ्रष्टाचार को दिया गया है अंजाम। और अब आपको बताते हैं इन दीदियों का मामला। ये जो नगर पालिका के द्वारा सफाई के लिए दीदियां लगाया गया है, हमने जब यहाँ से जानकारी ली तो पता चला कि इनके लिए एनएनडीसी से जो राशि आ रही है वो करीब लगभग 36 मजदूर और 2 सुपरवाइजर के लिए 500 कुछ रुपए की दर से रोजाना भुगतान एनएमडीसी करती है, लेकिन नगर पालिका के द्वारा जो स्वतः समूह को दिया गया है वो सिर्फ 200 रुपए रोजाना के हिसाब से महीने का 6000 रुपए दे रही है, जबकि एनएमडीसी से वो पैसा 500 रुपए के हिसाब से आ रहा है। यहाँ पे 200 रुपए दिया जाना ये बहुत ही समस्या परे है। अब हम आपको बता दें कि एक ऐसी भी महिला है जो निहाल पब्लिक मॉडल पब्लिक स्कूल में कार्य करती है, उनको सिर्फ 3000 रुपए महीना दिया जा रहा है, जबकि उसके खाते में नगर पालिका से 6000 रुपए भुगतान जाता है। अब हमारे द्वारा इस घोटाले को लेकर जिला कलेक्टर से लिखित शिकायत की गई। जिला श्रम विभाग और मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कार्य संभाल रहे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बचेले को भी लिखित शिकायत की गई। अब देखना होगा कि इन सब के पीछे का असली घोटालेबाज दीदियों के साथ इतने बड़े घोटाला करने वाला आखिर कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं सकते में इन दिनों तालाबों पर राखड़ माफियाओं का संकट बन रहा है। राखड़ के सौदागर जनप्रतिनिधियों से मिलकर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में राखड़ का जहर वातावरण में फैला रहे हैं। कई जगहों पर राखड़ के कारोबारी अंधेरी रात में राखड़ डंप करवा रहे थे। साथ ही आपको बताते चले कि जिसे लेकर ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश है। देखिए इस रिपोर्ट में। सत्ती में इन दिनों तालाबों पर राखड़ माफियाओं का संकट मंडरा रहा है। राखड़ के सौदागर जनप्रतिनिधियों से मिलकर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में राखड़ का जहर वातावरण में फैला रहे हैं। सत्ती जिले में कई तालाब ऐसे हैं जिसमें राखड़ के सौदागरों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से लेन देन कर वहाँ के तालाब को पाट दिया है। इसके साथ ही कई गाँव के तालाब को भी पाट दिया जा रहा है। इसके अलावा तालाब के किनारे भारी मात्रा में राखड़ डंप किया गया है। इन सभी जगहों पर वहां के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता बताई जा रही है। अब ये मामला अधिकारियों के पास है जहां उन्होंने समाधान का आश्वासन दिया है। तालाब के पटने से ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश उभरने लगा है। अब देखना ये होगा कि अधिकारी इस मामले का समाधान कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अब फायदा तो एक मिलत रही सा रेती वाला के जब जब का जमीन तब का जमीन पलत रही थे माँ, सब जमीन पलत रही थे माँ देती वाला है। एमा कुछ काम भी हो है मनरेगा के कतु हर का मनरेगा के अब 4-5 साल हो काम हो सर। अब सरकार के माने सर अब 4-5 बार अब जो
कई लाख रुपया दे दा रही खंती हो गए के और उसका पटवाही सरकार है तो सरकार पटवा सकत है। तालाब तो हम के बिगड़ ही तब सब गली के पानी जाही नहा बो खरमोते है जाही खेत होती पलत रही है खेत गोली है पलत है होती के पल्लो है सब बिगड़ जाही नहा धोते तालाब में। हाँ नहाते धोते भलो भरते था। ये जो है हमारे यहाँ तालाब है उसको सरपंच जी ना गांव को पूछा भी नहीं है और अपने मन से पटा रहे हैं। क्या पटा रहे? वो राखड़ और दो पचरी है नहाते होते हैं और नीचे कम से कम 10 एकड़ जमीन है यहाँ से तस्करी होती है। तो वहीं बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में पीड़िया के जंगलों में भीषण मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की जमीनी हकीकत जानने के लिए हर खबर की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली गई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में पीड़िया के जंगलों में माओवादियों और पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद जब हर खबर की टीम इस इलाके में पहुंची तो वहां जो देखा वो सचमुच हैरान कर देने वाला था। दरअसल हमारी टीम जब वहां पहुंची तो इस बात की खबर सुनकर सभी आसपास के ग्रामीण भी मुलाकात करने पहुंचे और जब ग्रामीणों से बात की गई तो पता चला कि सरकार जो विकास की बात करती है वो सरासर गलत है क्योंकि पीड़िया में विकास बिल्कुल जीरो नजर आ रहा है। जिस गांव का नाम पीड़िया है वाकई में उस गांव में पीड़ा बहुत है। अगर विकास की हम बात करते हैं ये इस गांव में विकास के नाम पर सिर्फ दुख और तकलीफ है। बता दें कि पीड़िया के लोग पीने के पानी के लिए भी तरसते हुए नजर आ रहे हैं। लोग नालों में खेतों में कुआं खोद कर पानी पीने के लिए मजबूर है। जहाँ से जिला मुख्यालय तक जुड़ने के लिए कोई रोड नहीं है, पगडंडी रास्ते से होकर उनको मुख्यालय तक आना पड़ता है। कोई मूलभूत सुविधा भी वहाँ नहीं है। कई समस्याओं को लेकर झेलते हुए वहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब हम ग्राम जीरो में पहुँचे तो देखा कि सचमुच पीड़िया के ग्रामीण कितनी परेशानी में है। आप जो मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे होंगे ये दरअसल पीड़िया की तस्वीरें हैं। पीड़िया की गांव में हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। पीड़िया के गांव में हम लोग मौजूद हैं। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये सारे महिलाएं हैं जो हैं यहाँ पानी के लिए आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पानी की काफ़ी समस्या है और जिस प्रकार से देखा जाए तो ये महिलाएं आदिवासी महिलाएं हैं। और आपको बता दूं कि ये लोग जिस प्रकार से परेशानी जो हो रहा है इनका, जिस प्रकार से ये कुआं बना के वे लोग रखे हैं, जो कुआं को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये कुआं एक लकड़ी का तने को खाट कर उसको कोकला करके बनाया गया एक कुआं है। आप देख रहे हैं कि खेत के बीचों बीच ये कुआं है और ये समस्या देखिएगा किस तरीके से चल रहा है। इस कुएं के सींचने के लिए आप मेरे दाहिने ओर भी देख सकते हैं कि एक छोटी सी तालाब बनी हुई है और उसके जस्ट थोड़ी दूर में इस कुआं को बनाया गया है क्योंकि ये गर्मी का सीजन है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से पानी सूख जाती है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पीड़िया के लोगों के बारे में कि ये पीड़िया के लोग जिस प्रकार से गांव का नाम पीड़िया है लेकिन ये पीड़िया जो गांव है उस प्रकार से इस गांव के लोग या इस गांव के महिलाओं की अगर हम बात करें तो ये लोग पीड़ी से परेशान हैं कि कब आएगा एक उजाला जिसको कहा जाए वो आएगा कि हमारे गांव में भी कोई विकास की कार्य होगी, हमें भी पानी या फिर कोई सेवा के लिए या यहाँ से कहीं स्वास्थ्य की अगर बात करें या तबीयत खराब हो तो जाने के लिए रास्ता हो या फिर कोई गाड़ी घोड़ा आए या बिजली देखने का एक नसीब बोला जाए उनको मिल जाए, ऐसा समस्या वे लोग झेलते हुए ये लोग यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। अगर बात करें तो इसी गाँव से निकली है कल की जो मुठभेड़ बताई जा रही है जिसमें 12 नक्सली मारे गए हैं, वो भी दरअसल इसी क्षेत्र में हुआ है। इसी क्षेत्र में उसी की कवरेज के दौरान हम इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से ये तस्वीरें देख के आप सोच भी सकते होंगे, अनुमान लगा सकते हैं कि क्या समस्या है इस गांव में, कैसी रही होगी। सरकार बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं कि हम विकास
लास्ट इंसान, लास्ट पंचायत के घर तक पहुंचा रहे हैं। क्या यही है उनकी विकास? क्या यही विकास की बातें बड़ी बड़ी दावे करते हैं? अगर बात करें यहाँ की मुख्यमंत्री की, वो भी एक आदिवासी, अगर पूरा मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं वो भी आदिवासी, अगर यहाँ बीजापुर जिले की अगर विधायक की बात करते हैं वो भी आदिवासियों में से ही गिने जाते हैं। क्या यही आदिवासी लोग हैं, या फिर ये आदिवासियों को इसी प्रकार परेशान करने के लिए एक आदिवासी नेता खड़े होकर कहता है कि हम आदिवासी लोगों के लिए खड़े हैं, उनकी समस्या के लिए खड़े हैं? देखिएगा इस बच्चे को आप थोड़ी सी ध्यान से, कि इस बच्चे की क्या गलती है? क्या वो विकास नहीं देखना चाह रहा? क्या उसको ये सिटी जैसे क्षेत्र में जाना नहीं चाह रहा है कि गांव में इन जंगल इन वादियों में रहना चाह रहा है? क्या सरकार इन पंचायतों में बनी है आज भी यहाँ पे इस समस्याओं का कब होगा निवारण? यहाँ के धरातल के लोग यही पूछ रहे हैं। एक पत्रकार अगर जब यहाँ पहुंचता है तो यहाँ की जो, आप इस महिला को एक बार और देखिएगा, ये जो महिला किस प्रकार से यहाँ पे रोते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हम उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं तभी ये गोंडी में बात करते हैं, क्यों ना जो मुठभेड़ में मारे गए कहीं ना कहीं ये उनके फैमिली से है। जिस प्रकार से इनकी दुख और दर्द को आप देखने की कोशिश करिएगा, कितनी दर्द इनके अंदर भरी हुई है। पीड़िया गाँव है, इस तरीके से पीड़ित है, अभी इस तरीके से इन गाँव में जो पीड़ा भरस रहा है, जो परेशानी हो रहा है, सरकार को इस चीज को देखना चाहिए और सरकार को इस चीज को करना चाहिए। बने रहिएगा हर खबर के साथ। पीड़िया का हाल देखकर ऐसा लगता है जैसे सदियों से इस क्षेत्र का विकास ही नहीं हुआ है, क्योंकि जहां के लोग पानी के लिए तक परेशान हो वो जगह सबसे पिछड़ी ही कहलाएगी। फिलहाल सरकार जो गाँवों के विकास की बात करती है वो वादे यहाँ पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दुर्ग के छाबिन थाना क्षेत्र से है, जहां पर पावर हाउस स्टेशन के पास में सिगरेट खरीदने गए युवक पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक सिगरेट खरीदने के दौरान तीन युवकों में पहले विवाद हुआ था, और साथ ही आपको बताते चले कि देर रात तक दुकान खुली होने के कारण दुकान पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। आपको बताते चले कि तीन युवकों में जमकर विवाद हुआ, और इसके बाद में एक युवक ने एक दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पूरा मामला छावनी थाना क्षेत्र के से बताया जा रहा है, जहां पर फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है, और तीन युवकों का इस विवाद में संलिप्त होने का जानकारी सामने आई है। आपको बताते चले कि पूरा मामला दुर्ग से है, जहां पर तीन युवकों में विवाद हुआ था और जिसके बाद में दूसरे युवक ने उस पर हमला कर दिया धारदार हथियार से। दरअसल ये पूरा मामला सिगरेट पर हुआ था। खबर नंदनी थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 10 साल के बेटे समेत मां की मौत हो गई है। पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। नंदनी पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और साथ ही अज्ञात वाहन को ढूंढने में भी जुट गई है। आपको बताते चले कि 10 साल के बेटे समेत मां की मौत हो गई और अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी और 10 साल के बेटे समेत मां की मौत का ये पूरा मामला सामने आया। पति जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच भी पुलिस कर रही है। आपको बताते चले कि पति गंभीर रूप से घायल हो गया है और 10 साल के बेटे समेत मां की मौत हो गई है। पति गंभीर रूप से घायल है और साथ ही पूछताछ भी होनी अभी बाकी है, और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में भी जुट गई है। आपको बताते चले कि पूरा मामला दुर्ग का है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद मां और बेटे की मौत हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।